अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ शेफ़ कासिम हैं और हम इस वक्त होटल में खड़े हुए हैं और हमारे पास इस वक्त एक स्पेशल ऑर्डर आया हुआ है शेफ़ साहब स्पाइसी जिंगर बर्गर के लिए। स्पाइसी जिंगर बर्गर की रेसिपी हम शेयर करेंगे आपके साथ, देखते रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा HDR वॉइस के साथ। ये देखिएगा ये कैसे ब्रेडिंग करते हैं। इस वक्त चिकन जो है वो पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ है। अच्छा शेफ़ साहब, हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है तो चिकन की जो मैरिनेशन है उसमें भी आप साथ साथ बता दीजिए, साथ साथ हमारी ऑडियंस देख रही है कि क्या है। ये एक लेग का पीस होता है, लेग का पीस किया, नमक चाइना नमक, ब्लैक पेपर, सिरका, लेमन जूस और एक अंडा, मैदा और कॉर्नफ्लोर। ये कितना लेना है, इसकी क्वांटिटी दोनों का बराबर लेना है, एक चम्मच लेना है, ठीक है। और एक चम्मच मस्टर्ड पेस्ट, एक मस्टर्ड पेस्ट का चम्मच लेना है, ठीक है। इन सबको मिक्स करके और चिकन को लगा के फ्रिज में रख देना है एक दो घंटे के लिए। ये सारा कुछ इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करें और मैरिनेट करने के बाद इसको आप फ्रिज में रख दें एक से दो घंटे के लिए, कम अज़ कम 1 से 2 घंटा। अब ये देखिएगा कि इसके ऊपर ये क्रम्स थोड़ा सा बनना शुरू हो गए हैं और ये एक बार फिर इसकी ब्रेडिंग हो रही है। इसे कहते हैं डबल ब्रेडिंग हो रही है। ये डबल ब्रेडिंग करते हुए शेफ साहब कितने खूबसूरत लग रही हैं, आप देख सकते हैं। शेफ साहब अपने हाथों को घुमा रहे हैं। ये देखिएगा जबरदस्त, ये देखिएगा ये होटल से कितना, ये डबल ब्रेडिंग हो चुकी है या अभी फर्स्ट सिंगल कर रहे हैं? हो चुकी है ये देखिएगा, ये कितना खूबसूरत जो है ना, ये और ये जिस टाइम फ्राई होगा तो फ्राई होने के बाद इसके ऊपर बड़ी प्यारी सी ये जो है ना क्रम्स इसके ऊपर नुमाया हो जाएंगी जी। ये और कितनी देर के लिए इसको फ्राई करेंगे? तीन चार मिनट। अच्छा जी, ये हमारे बीच में हम आपका तारुफ करवा दें, हमारे साथ शेफ़ असगर साहब हैं चाय पीते हुए इस वक्त देखिएगा, और ये इनके पास ये ऑर्डर लगने। शेफ़ साहब क्या बनाना चाह रहे हैं आप? ये पिज़्ज़ा बनाना। पिज़्ज़ा कौन सा है, सादा पिज़्ज़ा? स्पेशल पिज़्ज़ा है ये, ज़बरदस्त, दोनों स्पेशल पिज़्ज़े का ऑर्डर है, ठीक है। और ये देखिए ये आप चाय पी रहे हैं, माशाल्लाह मज़ेदार खुशबू आ रही है। आज हमने खुद भी एक चम्मच चलाने की कोशिश की है, फ्राई फ्राई हो गए, सात ही चिप्स इसमें डाल देते, ठीक हो गया। ये वैसे सात ऑर्डर के आप देते हैं चिप्स जो है, तो ये एक अच्छा एक गार्निशिंग हो जाती है, खूबसूरती लगती है। वैसे बड़े होटल में जिंगर बर्गर के प्राइस में वो अच्छे खासे होते हैं तो साथ में ये छोटे मोटे आइटम जो है ना वो ऐड कर लिए जाते हैं और उसके साथ एक अच्छा एक प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। ये देखिएगा ये हमारे पास हॉट डॉग है और हॉट डॉग की ये प्रेजेंटेशन है, ये पूरी मतलब 1, 2, 3, 4, 5 स्टिक्स बनी हुई हैं ये, और इसी तरह की ऐसी प्रेजेंटेशन में होटल में परचेज की जाती है, ठीक हो गया। अच्छा वैसे हम देखते हैं कि इसको गरम कुत्ता कहते हैं, ये गरम कुत्ता, अच्छा हॉट डॉग है। अच्छा शेफ़ साहब से पूछेंगे, शेफ़ साहब इसका हॉट डॉग नाम कैसे रखा ये कुछ इस बारे में? बर्गर का नाम हॉट डॉग होता है। अच्छा बर्गर का नाम हॉट डॉग होता है, ठीक हो गया। बस तैयारी के मराहिल में अपने रंग और रूप और जोबन के साथ तैयार हो रही है, इसमें जवानी की लहर उठ रही है। सात
साथ ही आप लोगों के सामने पिज़्ज़ा भी तैयार हो रहा है। स्पेशल पिज़्ज़ा है हॉट डॉग के साथ। वाह शेफ साहब का खूबसूरत अंदाज। ये शेफ साहब टोपी नहीं पहनते क्योंकि इनको किसी का डर नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका से डरते हैं। अमेरिका से डरते हैं सर आप? जी अमेरिका से डरते हैं कि कहीं वो इनको पकड़ के ना ले जाएं। इनकी हरकतें भी थोड़ी सी उल्टी हैं। चांद मुबारक है। चांद सलाद पत्ता निकालो साथ साथ। अच्छा जनाब ये मायोनीज लगाई है हमने इसके ऊपर, ये देखिएगा ये दूसरे वाला और ये तीसरा है, ये अपर वाला है। अच्छा ये जनाब आपने सलाद पत्ता दे देखने वाले कह रहे सिर्फ अच्छी चीजें देखनी है। अच्छा सलाद पत्ता जो है ये हमने रखा और ये हमने बहुत ये आप देख रहे हैं कि ये खूबसूरत पूरे बांसपुर में नहीं है, लाहौर में है। अच्छा लाहौर में। तो यहाँ आपको ये कैसे मिला था? चलते चलते ये देखिएगा खवातीनों हज़रात ये खूबसूरत है। ये क्या चीज़ है? स्लाइस चीज़। अच्छा स्लाइस चीज़ इसी तरह से प्रेजेंटेशन में होती है, पैकिंग में मिलती है बाज़ार से, तो एज इट इज़ जो है वो उसके ऊपर रखी जा रही है। नीचे एक मायोनीज रखी थी आपने, मायोनीज का और उसके ऊपर चीज़ रखी है, ये उसके ऊपर रखा। अच्छा इसके अंदर आपने वो नहीं रखा? खूबसूरत जिंगर बर्गर, स्पाइसी जिंगर बर्गर। और ये हमारी चिप्स रेड हो चुकी है उधर नाड़ा। अच्छा अच्छा ये कस्टमर कहते हैं कार्ड के, ठीक है। ये कस्टमर जो कमज़ोर हड्डियों के मालिक होते हैं, बहुत खूबसूरत है। आई लव यू टू। ये भी कट गया, बहुत ज़बरदस्त। बहुत खूबसूरत जिंगर बर्गर जो है वो अपने इंतहा को पहुंचते हुए थोड़ी देर के बाद ये कस्टमर के पेट में होगा। टिकट जो है ये तैयार हो चुका है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इसके साथ प्रेजेंटेशन में जो है ना इसमें उन्होंने चिप्स रखी है इसके साथ, ये रशियन सैलड जो है ना वो इसके साथ। बहुत खूबसूरत अंदाज में डेकोरेशन गार्निशिंग जिसको बोलते हैं हम, गार्निशिंग हो रही है इसकी। वाओ ज़बरदस्त। ये देखिएगा ये हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन तैयार हो चुकी है और अब हम आपको इजाज़त देते हैं। शेफ कासिम साहब के हमराज़ हम आपके साथ और एक और रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच शेफ कासिम साहब, अल्लाह हाफ़िज़।